अग्रबेग पर्टन से हूँ। एक्चुअली हमारे गांव का नाम खिम्बियार है, तो वहीं मैं रहती हूँ जी। एक्चुअली सर मैंने 2018 में अप्रैल में स्टार्ट किया था। एक्चुअली सर 2018 में हमारे पास एक स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उम्मीद की स्कीम NRLM। तो सर उसमें यही सिखाया जा रहा था कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, डिपेंडेंट हो जाओ, किसी पर मत रहो। तो हम जब इस स्कीम में आए तो हमने सोचा चलो देखते हैं, हम खुद से ही स्टार्ट करते हैं। जब हम खुद से स्टार्ट करेंगे तो औरों को भी यकीन हो जाएगा ये स्कीम गलत नहीं है, एक अवेयरनेस लोगों में जाएगी। तो फिर हमने खुद से ही स्टार्ट किया। मैंने मतलब 300 एबो ही होगी लड़कियां जिन्होंने, जिनको यहाँ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है। और कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो इस टाइम खुद अर्न कर रही है, जिनका खुद का बुटीक चल रहा है, और जो घर में है वो मतलब खुद के तो कपड़े मतलब सिल ही रही है, और खुद से घर से भी स्टार्ट कर रही हैं बहुत सारी लड़कियां। जब मुझे सुनने को मिलता है कि फलानी लड़की ने स्टार्ट किया है तो वो मतलब कमा रही है, तो मुझे खुद बहुत खुशी मिलती है, नहीं कि मतलब मेरी जो कोशिश है वो कामयाब हो गई है। एक लड़की चाहे कुछ भी कर सकती है, बस दिमाग में प्लान ही होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। सर काम तो मुझे बहुत सारे आते हैं, जैसे हमारे कश्मीर में सोजनी वर्क बहुत ज़्यादा है, और उसमें ये था कि उसमें या तो इस वनांश वस्त्र कर तुम ऐसे निशिवंत निवानस काम कर, मे बसान अक्स लड़की तमिक फायद मिलान, उस आर्टिजन अमिश तमिक फायद मिलान, तक मे ज़्यादा फायद मिलान बस तुमने वस्तन। तो फिर मैंने सोचा नहीं ये काम मुझे सूट नहीं हो रहा है, फिर मैंने सोचा मैं खुद कुछ ऐसा करूं कि जिससे मतलब मुझे डायरेक्ट मतलब कस्टमर से डील हो। बेस्ट नहीं देंगे तो कस्टमर का मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर मैं वहां से आई तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और शुक्र खुदा का अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे लग रहा है कि मेरा जो ख्वाब है वो पूरा हो गया। 20,000 भी हो जाता है, 15,000 भी हो जाता है ना, वो कहते हैं कि मैंने मतलब इतना पैसा आता है कि कभी मैंने खुद भी ख्याल ही रखा कितना आता है कि कितना मैं कमा लेती हूँ। शुक्र खुदा का, मतलब मैं कभी मतलब जब भी अपनी शॉप पे आती हूँ सुबह जब निकलती हूँ तो मुझे पता ही नहीं कितना काम आ जाता दिन भर, मैं कितना कर लेती हूँ। हमारे जो BPM सर है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है, वो चाहते हैं कि लड़कियाँ कुछ काम करें इसमें, क्योंकि उनका काम तो लड़कियों के ही साथ है। वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं कि आप मतलब हम हेल्प करेंगे, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहती हो, जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं आप करो, क्योंकि इकोनॉमिकली हमें वही हेल्प करते हैं, उम्मीद स्कीम ही हेल्प कर लेती है, क्योंकि किसी रिश्तेदार से हम पैसे नहीं मांग सकते हैं क्योंकि कुछ होता है। तो ये स्कीम ऐसी है, हम जाते हैं एक मीटिंग कर लेते हैं, जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम पैसे ले जाते हैं और अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है इस स्कीम के बारे में, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे हमारी स्कीम ही लीजिए उम्मीद की स्कीम। अब कहीं भी मैं जाती हूँ, जैसे कहीं किसी से मिलती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने इसके थ्रू काम करती हूँ, इससे मतलब बहुत सारे काम हुए हैं हमारे गाँव में, तो वो बोलते ये क्या है, उनको पहले समझ ही नहीं आता है। मैं चाहती हूँ अगर मिशन डायरेक्टर इस पे थोड़ा सा इनिशिएटिव ले कि हर जगह इसका जो मतलब इस स्कीम का मतलब फायदा लोगों को पहुंचाए, अवेयरनेस हो जाए, अवेयरनेस फैलाए। कहना चाहती हूँ आप आगे आ जाओ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटी हमारी सोच होती है। आपको जो भी कुछ आता है, पढ़ लिख के तो सब है, मगर मुझे लगता है कि अच्छा इंसान वो ही है जो अपनी लाइफ में कुछ करे। आप आगे बढ़ो, जो भी आप में हुनर है आगे बढ़ो, कुछ मतलब सपोर्ट तो फिर फैमिली का भी मिल जाता है। जब बच्चा जब एक लड़की इरादा कर लेती है मैं कुछ करूंगी अपनी लाइफ में, फिर माँ बाप भी सपोर्ट करें। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई माँ बाप ऐसा होगा जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट ना करे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब वो है तब मैं यहाँ हूँ। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ।